पिंड ढोडिया तो पहुंच गया मेरिया मातावान भैन बजुर्ग साहबान नौजवान वीर और समुची साड़ी टीम के साथी साहबान ब्लाक प्रधान साहबान सर्कल इंचार्ज साहबान और साढ़े जिले के टीम के अहदेदार साहबान आओ सारे गुरुपति की सांझ पाई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। टोनी मैनू मेरी बेनती है भी आप बच्चों थोड़ा साइलेंट करो। जिस तरह भाजी कैरो साहब ने दसा सरती भाजी पिंड कैरो इन्होंने ब्लाक प्रधान ने और अपने आदेश प्रताप कैरो दिफत ने तुम दस ही दिखाई भी वेद की गुण से कि बनाया तो उन्हें की किया जो हलका अपना कितने खड़ा। जिस तरह वीर ने दसिया कि जिन्हें भी साथी साढ़े बैठे हैं टीम ने साथी कोई भी किसी भी बैकग्राउंड कोई पोलिटिकली नहीं है सारे आम घर चो ने काम करते गए 2013 तो सारे साथी जुड़े ने पार्टी के नाल काम करते गए और केजरीवाल साहब ने मौका दिता 2017 के विच तुहाडे सामने मैं इलैक्शन भी लड़ी पट्टी हल्के तो और उदो नवे सी उदो सानू कहिंदे सी नहीं 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 तुहाडा कुछ नहीं बनना ना पर फिर भी पट्टी हल्के के लोगों ने बड़ा साथ दिता सी नवे सी साढ़े ते विश्वास किया सानू 18,000 वोट पे। मैं पिछले काफ़ी लंबे समय तो पार्टी के नाल आ और जो एक पार्टिया तो सीख्या राजनीतिक पार्टिया तो सीख्या जो लीडर से चाहिए व्डे जोड़े होर पोलीटिकल लीडर ने वो मैं शाबाश देंगे मोटे के हथ धर के मेरा हौसला बढ़ाते क्यों वो कहते पहली बार इलैक्शन लड़ी तू राजनीति का ऊड़ा अड़ा भी नहीं आता वो बावजूद भी तुम 18,000-20,000 जी वोट वो पही है तुम टीम की मेहनत की बदौलत क्योंकि उदो मैं कोई नहीं जानता अगे भी इतने मीटिंग मेरे ख्याल इलैक्शन आप जगदीश वीर को पता इतने मीटिंग की है ना। सो हूँ मैं काफ़ी लंबे समय तो ढाडे विचर रहा हर दुख सुख के हाजिर रही हल्के के पिंडा डेली मैं पंजा सत्तां पिंडा का मेरा टूर हों साथी मेरे नाल होंगे गड्डिया के। सो कहण का भाव आ भी अगे नवे सी हुण तुसी पहला देश प्रताप नूं बनाया 15 साल आप मान बनाया ना हुण पिछले साल तुसी मौका दिता सी MLA गिल नूं हरमिंदर गिल नूं दिता ना मौका चा लै गया उहदे वाला वेह कि नहीं दसो हसदे मिठा मिठा कैप्टन ने बड़े वादे किए सी पंजाब दे जनता दे नाल जाना के भुल गए ने मैं याद करा देना कई वीर ना भुल जाते इलैक्शन फिर आने वाली आ चोन बिगल लगभग बच चुका उन्हें फिर धड़ना बड़े बड़े वादे करने पर मैं पुराने वादे जो आएंगे कांग्रेसी ढड़ को वोटा लैन उन्होंने पूछो भी आ जिहड़े तुसीं वादे पिछली इलैक्शन दे विच कीते सी इह क्यों नहीं पूरे किए वादे दस देना की कैप्टन साहब कहिंदे घर घर नौकरी किन्ने लोगों नूं मिली दसो सारे हुणे छुट्टी करके आए कहिंदे सी जे नौकरी ना दे सके तो बेरोजगारी भत्ता देवांगे मिलता किलो किलो हथ खड़ा करो 2,500 रुपया बुढ़ापा पेंशन 51,000 सैकंड स्कीम 5-5 मरले के गरीब परिवारों नूं प्लान मिल गए सारे नूं कोठे पाते हुण पाते दसो टोटियां रहे हो आंदे नहीं। सो आपू इना फिर आना अपने को हूँ कैरो ने भी आना थोड़े को गिल ने भी आना थोड़िया गलिया च आनिया गलिया च आना थोड़े गोडिया हाथ लाने तुम जफ्फिया पाया को ना कड़ा मेरी ताई आ मेरा ताया मेरा केंद्र है ना केंद्र 2 महीने उस तो बाद कोई बात पूछता आता कोई नहीं ना आता फिर सवाल करे उन्होंने जो तुम चेते कराए मैं फिर आना थोड़े को मम्मी तो मैं तुम याद करा रहा मैं भुलन नहीं दिता। सो उन्होंने सवाल करो उन्होंने सवाल करो कि आ जी जन सू की समझते हो साढ़े ना झूठ बोल के साड़िया वोटा लेंगे हो क्यों साड़ी आम जनता ना तुम गरीब लोगों जरा विश्वासघात करते हो सू 70 साल कितने फसा के रखिया गलिया नालिया वो इटा फुट लेंगे ला लेंगे कहते विकास हो गया तो इमानदारी ना दस्यो पिंड ढोटिया गलिया लालिया वधिया बन गई है
साढ़े चार साल लंघ गए अपने एमएलए साहब गिल साहब बड़े पोस्टा पाई जाते फेसबुक ते मैं पिंड जिहड़े चंडीगढ़ गढ़ वर्गे बनाते गलियां नालियां जिहड़ियां इंटरलॉक टाइलां ला के थोड़ियां बहुतियां पिंड तो मतलब एक गली बना गई उन्होंने बड़ी वड्डी तां खड़ते भी बड़ा वड्डा हो गया स्कूलों नूं जिहड़े रंग रोगन करते आ उन्हां दीआं फोटोआं पाई जांदे कहिंदे स्मार्ट स्कूल बन गए स्मार्ट स्कूल रंग रोगन नाल स्मार्ट स्कूल नहीं बनते स्मार्ट स्कूल बनते आ चंगी नीति दे नाल पूरे अध्यापकां दे नाल नवीआं बिल्डिंगां दे नाल नवें सिलेबस दे नाल अज सरकारी स्कूलों नूं की जरूरत आ सानूं असीं पंजाबी आ पंजाबी सानूं पहलो मां बोली साडी पंजाबी पंजाबी भी चाहिए आ पर उहदे नाल नाल सानूं अंग्रेजी भी चाहिए शुरू तो एक नर्सरी क्लास तो साडे बच्चों नूं लगे जिहड़ी पंजाबी स्कूलों च भी जिहड़ी इंग्लिश लगे की इमानदारी नाल दस्सिओ तुहाडे जिहड़ा पिंड वाला स्कूल आ उहदे टीचर पूरे आ वधिया पढ़ाई हुंदी आ दस्सो नहीं पूरे ये क्यों नहीं पूरे करते तो कारण आ इन्हां नूं पता जिद्दन अज कंप्यूटर का जमाना अज हर घर दे विच स्मार्टफोन आ उन्हां नूं पता जिद्दन आम घरां दे धीआं पुत पढ़ लै गए जिद्दन सारी इन्हां नूं समझ आ गई उद्दन सानूं वोटां नहीं पाउणियां आ कुंडी आ कुंडी आ तां करके ओह पता की चाहुंदे जिद्दां वीर साडा जंगशीर जंगशेर वीर टोनी वीर दस के गया ये चाहते हैं भी ये पिंड वाले लोग कमले रमले जे बने रहन पंजा साल बाद आइए महीना के इन्हों और गुरुद्वारे च बैठे आप प्यो दे दारू थोड़े बहुत पैसे वंड के वह कहते इन्ना इन्ना वोटा सू पाई देनी बस इन्ना समझते कीमत वोट की पर एक आम बंदे की वोट की कीमत एक प्रधानमंत्री के वोट की कीमत बराबर जे हुण समझ लो भी वोट की कीमत कि दिल्ली के भरा स्कूलों का माड़ा आलसी का टीचर की घाट ही बिल्डिंग की घाट ही केजरीवाल साहब ने पहली बार सरकार बनदिया 24% जो बजट का हिस्सा रखा और की नवी बिल्डिंग बनाई नवे टीचर भर्ती किए टीचर बाहरले देशों च घल्या भी बाहरले देशों की पढ़ाई साढ़े रो क्यों वधिया लै उही पंजां सत्तां सालां दे विच अज पोजीशन की आ प्राइवेट स्कूलों नालों वधिया रिजल्ट आउंदे सरकारी स्कूलों के लोग प्राइवेट स्कूलों च बच्चे ढा ढा के सरकारी स्कूले पाउंदे क्यों एक तो रिजल्ट वधिया हो गए एक टीचर पूरे एक पढ़ाई पूरी आ एक पढ़ाई फ्री आ पैसा नहीं लगता इतने इतने भी दिल करता सारिया का बच्चे पढ़ाउण नूं भावें कोई दिहाड़ीदार बंदा उहदा भी जी करता मेरी औलाद चंगे स्कूले पढ़े नौकरी ते लगे उहदा मजदूर का दिल यह नहीं करता कि मेरे बच्चे भी कल नूं दिहाड़ी करन करता कहे दा नहीं ना करता पर इतने चंगे स्कूल केड़े प्राइवेट ते प्राइवेट स्कूलों का खर्चा बहुत ज्यादा मेरे आप दो बच्चे ने प्राइवेट स्कूले पढ़ते मारी जा पढ़ाते बहुत ज्यादा खर्चा भराओ ट्यूशन का फीसा का एडमिशन का वैना का किराया होर लल्लड़ पल्लड़ बहुत ज्यादा खर्चा नहीं दे सकते आप क्योंकि आप जिन्ने सारे बैठे हैं सारे मिडिल क्लास फैमिली चो बिलोंग करते हैं सो दूजी आप चीज की चाहिए है दूजी सब तो जरूरत है आपू सेहत सेवावान की जरूरत है ना वधिया हॉस्पिटल बन वधिया इलाज होवे फ्री होवे पर रब ना करे कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए जां किसे नूं हार्ट अटैक आ जाए जां किसे नूं कैंसर निकल आवे तुहाडा मरीज बचूगा जाके तरनतारन वाले सरकारी हस्पताल नहीं बचूगा क्यों कहिंदे डॉक्टर नहीं हैगे उत्थे इलाज नहीं हैगा ये भी चीज नहीं आपां नूं दित्ती मैं जिस तरह तुहानूं दस्सिया जिस तरह तुहानूं दस्सिया मैं रोज पिंडां च जांदा मैनूं बड़े पेशेंट मिलते हैं बड़े मरीज मिलते हो कहिंदे साडे मरीज नूं कैंसर सी और कैंसर जिहड़ा इलाज है बड़ा महंगा वो कहिंदे साडे मरीज नूं कैंसर सी साडे कोल 2-3 लाख रुपया साडी छल्ली पूनी वेच के असीं इत्थे लाता मरीज ते होर पैसे की लोड़ सी साडे कोल पैसे नहीं सी हैगे ना पैसे होण दी वजह कारण मरीज साडा मर गया उधर हुण केजरीवाल साहब की कहिंदे दिल्ली विच वो कहिंदे पैसे खड़ो आप मरीज नहीं मर देना जेड़े मर्जी हॉस्पिटल अपना मरीज ले जाओ भावें प्राइवेट ले जाओ सरकारी ले जाओ भावें कि 20 लाख रुपये का भी ऑपरेशन होना सारा फ्री होगा
उत्थे दवाई फ्री है, टेस्ट फ्री है, सारा कुछ फ्री है। हुण तीजा अपना सब तो वध कहते खर्च होंदा बिजली दे बिलां ते, दो पखे दो बल्ब बिल किन्ना 5000-7000 के तो घट आउंदा। हां जी इन्ना आउंदा ना। और सोचने वाली गल है भी पंजाब साडा जिहड़ा सूबा है पानी तो बत्ती पैदा करता पंजाब सरकार। एक भाखड़ा लंगर डैम जिहड़ी डैम है उत्थे पानी तो बत्ती बनती है, एक रणजीत सागर डैम पठानकोट उत्थे पानी तो बत्ती बनती है। पंजाब दे विच पानी तो बत्ती पैदा करती है इत्थे घट लगभग 10 रुपये रेट है जूनट का, 10 रुपये है ना। दिल्ली सरकार के तो केजरीवाल साहब बत्ती मुल लेंदे कंपनियां तो, उत्थे बत्ती 200 जूनट हर एक परिवार को फ्री है ते लोगों का बिल आता 0। गर्मी च गर्मी जिन्हां दे घर 4-4, 3-3, 4-4 एसी लगे उन्हां दा गर्मी च 1000 तो वध बिल नहीं आता। वह कहते 2-3 महीने जिन्हां दे घर एसी लगे 3-3, 2-2, 3-3 वह कहते जो साडे एसी बंद हो जाए 2-3 महीनों बाद फिर सानू बिल 0। हुण उत्थे भैणा बैठिया उत्थे सरकारी बसा सारिया दिल्ली दे विच और सारा ही किराया माफ। हुण इत्थे भी कैप्टन ने नकल की ही केजरीवाल साहब की, किराया इत्थे भी कहिंदा माफ किया वा, पर इत्थे बसा किन्नियां सरकारी, 9 प्राइवेट ते 9-10 बस सरकारी आउंदी इत्थे ही है ना। ते जिथे 5 भैणां खड़ोतियां होंदियां उत्थे ओह रोडवेज वाले बस ही नहीं ढकदे, कि ढकदे आ बेबेआं दी नहीं ढकदे। सो इत्थे भी साडी ओह साडे नाल ओह भी धक्का करदे। हुण उत्थे पेंशन है दिल्ली दे विच जिहड़ी बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अंगहीन पेंशन पता किन्नी है 2500 रुपये महीने की। वो जो केजरीवाल साहब ने पिछे लॉकडाउन लगा सी पिछले महीने तक रहा लॉकडाउन, हुण थोड़ा थोड़ा दिल्ली खिलन दिया संघड़ी वादी सी ना, वो पेंशन जिहड़ी 2500 ही किन्नी करती 5000 रुपये। अपने रिक्शे वाले वीर टैक्सी ड्राइवर बड़े सी, भैणां नूं कहना भी 2 मिंट खड़ जाओ बस समाप्ति है छेती कर, उत्थे बड़े सी उन्हां दे खातिआं विच भी 5-5000 रुपया पाता। उस तो बाद हुण इक अकाली कांग्रेसी पता पिंडां च की फुआ फलाउण लगे आ जां फलाउंदे आ, क्योंकि इक्को ही आए इह रले आपस विच, आपां नूं लगदा 2 पार्टियां। उह कहिंदे भी जदों झाड़ू वालिआं दी सरकार आ गई इहनां तुहाडा जिहड़ी कणक जिहड़ी आटा दाल स्कीम है बंद कर देणी लैंदा। उत्थे 15 किलो प्रति एक जी नूं कणक मिलती है, ते कणक इदां दी मिलती है केजरीवाल साहब कहिंदे जिस जिद्दां दे कणक दे आटे दी मेरे बच्चे रोटी खांदे आ इहो जी कणक सारिआं नूं वंडो। इत्थे की हुंदा कदी कदी कणक चंगी आउंदी, कदी कदी उह पाणी वाली वी आउंदी आ, जम्मी आउंदी ना कणक कई वार उल्ली लगी हुंदी खाण दे लायक नहीं हुंदी। सो मैं तुहानूं दस्सदा वी 15 किलो मिलती लॉकडाउन दे विच 30 किलो कणक करती एक जी नूं 30 किलो कणक, और उहदे नाल नाल 13 चीजां दित्तियां डब्बियां दी तील तो लैके छोलियां दी दाल, होर दाणा, नहाउण वाला शैंपू सारा कुछ दित्ता लॉकडाउन दे विच केजरीवाल साहब ने, किसे गल दी कमी नहीं है। इत्थे आपां नूं पिंडां च वहम पाउंदे आ अकालियां दा घर इधर भोगदे नहीं जाणा कांग्रेसियां दा, आपां इक दूजे दा इत्थे थल्ले धड़ेबंदी बना के रखदे पिंडां उत्ते सारे इक्को ही आ। पिछला 2 महीने पहलो जिहड़ा अपना पंजाब का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पता ना सारे, उन्हां दी पोतरी का विआह आया उत्थे जिहड़ा बिक्रमजीत मजीठिया अकाली दल का बंदा वह उत्थे भंगड़ा पा लिया, किसी ने वीडियो वेखनी होवे तो मेरे फोन के विच है, इन्नी इहनां दी दुश्मनी है। और उस तो बाद की हुंदा भी जिन्ने भी पंजाब के विच कारोबार आ जिन्ने भी बच पिया दे विच रुक जाओ जिन्ने भी पंजाब दे विच कारोबार है भावें वह शराब का कारोबार वह भी अकाली कांग्रेसियों का सांझा, जे पंजाब दे विच रेता का कारोबार वह भी अकाली कांग्रेसियों का सांझा, जे पंजाब दे विच ट्रांसपोर्ट बसों का जिहड़ा माफिया चलता आ जिहड़ी रोड है तुहाडी आ जिहड़ी सिरों वाली वड्डी हाईवे रोड बठिंडे नूं जांदी आ इत्थे भी जिन्नियां बसां चलदियां भी अकाली कांग्रेसियां बादलां दीआं कैप्टनां दीआं कैरों दीआं इह भी उहनां दीआं बसां। और सब तो वड्डी जिहड़ी गल आ जिहड़ी कैप्टन साहब ने खुड़का साहब फड़ के सौ खाधी 6 दरिया नशिया का वगरिया पंजाब च, उहदा जिहड़ा व्यापार हुंदा नशे का हैरोन का स्मैक का
ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਰੋਲ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚ ਘੁੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਰੋ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਖੇਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਸਮੈਕ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਪਿੰਡ ਚੋ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਬਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕੈਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਧਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਕਰਤੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਆ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ ਵਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।